हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रेसल चैनल। तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है विनर टेक्स ऑल का रेसलमेनिया 38 में। लेकिन हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इन दोनों सुपरस्टारों का दो बार मैच हो चुका है रेसलमेनिया में। पहला मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप और दूसरा मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये दोनों भी मैचेस काफ़ी बड़े हुए थे। लेकिन हम एक पॉइंट की बात करें तो इस दोनों भी मैच में रोमन रेंस को ही लॉस मिला है, मतलब कि रोमन रेंस को ही हार मिली है। पहला मैच हुआ था WWE चैंपियनशिप के लिए और उसमें इन्वॉल्वमेंट हुई थी सेट रॉलिंस की, क्योंकि उनके पास था मनी इन द बैंक। उन्होंने कैश इन किया रोमन रेंस के ऊपर और वो बन गए इस मैच में WWE चैंपियन। रोमन रेंस के पास मौका था कि उस मैच में ब्रॉक लेसनर को हरा के वो WWE चैंपियनशिप कैप्चर करे। रोमन रेंस का मौका चला गया और ब्रॉक लेसनर के हाथों WWE चैंपियनशिप चली गई। लेकिन रेसलमेनिया 34 में उनके पास बहुत बड़ा मौका था कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप कैप्चर करे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया। लेकिन हम बात करें प्रेजेंट की तो इस बार रोमन रेंस हरा सकता है ब्रॉक लेसनर को फॉर द WWE चैंपियनशिप के लिए और वो हरा देंगे। मुझे लगता है कि वो इस मैच में जीतने वाले हैं। दो बार तो उनको हार मिली है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट रेसलमेनिया में, लेकिन इस बार रोमन रेंस हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को और वो जीत जाएंगे WWE चैंपियनशिप और वो बन जाएंगे विनर टेक्स ऑल। ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया 38 में विनर टेक्स ऑल वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं। धन्यवाद।